कोलिजन, कोलिजन, कोलिजन नहीं, मैं इसको बोलता हूँ कोलिजन, जे जे बोलता हूँ कोलिजन, शायद कोलिजन गलत है बोलना, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे मजा आता कोलिजन बोलने में। कोलिजन है क्या चीज, कोलिजन एक्चुअली है क्या चीज? कोलिजन को हम अगर अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में समझें तो इट इज टक्कर, टक्कर है, एक बस वाले ने टक्कर मार दी बाइक वाले को तो इट इज अ कोलिजन, ये कोलिजन हो गया, राइट? लेकिन रियल कोलिजन टक्कर नहीं होता। कोलिजन का मीनिंग है इन्फ्लुएंस ऑफ बॉडी, व्हेन ए बॉडी इन्फ्लुएंस, इफ इन्फ्लुएंस द मोशन ऑफ अदर बॉडी, द मोशन ऑफ अदर बॉडी, व्हेन अ बॉडी इन्फ्लुएंस द मोशन ऑफ अदर बॉडी विद और विदाउट एक्चुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट, या तो फिजिकल कांटेक्ट हो जाए एक्चुअल में, एक बॉडी ये है चलती हुई आ रही है, दूसरी बॉडी ये रखी हुई है, इस पर आकर इसने टक्कर मारी, सिंपल सी बात है, जो कैरम आप खेलते हो उसके अंदर सारे कोलिजन ही कोलिजन होते हैं, आपने स्ट्राइकर किया, स्ट्राइक कर सामने गोट को स्ट्राइक कर दिया इसने, तो क्या होगा? कोलिजन होगा, ये बस कोलिजन है बार बार। तो इसमें जो कोलिजन है, कोलिजन में एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट आ गया, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। एक न्यूक्लियस है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, आपने 10th, सॉरी 10th नहीं, 11th क्लास में आपने पढ़ लिया, नहीं 11th में ही तो हो अभी आप, लेकिन केमिस्ट्री में आपने वो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जरूर पढ़ा है, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट याद है किसी को? गाइगर मार्सन एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। तो एक अल्फा पार्टिकल था, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव, और वो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस की तरफ आ रहा था, और न्यूक्लियस ने कहा अच्छा मेरे से ज्यादा तू, मैं भी पॉजिटिव, तू मुझसे टकराएगा, चल यहां से वापस, और ये क्या हुआ, वापस कर दिया। इट इज ऑल्सो कोलिजन विदाउट एक्चुअल फिजिकल कॉन्टेक्ट, जब अल्फा पार्टिकल ने छुआ ही नहीं, किसे नहीं छुआ, इस न्यूक्लियस को छुआ ही नहीं, टच ही नहीं किया, फिर भी इस न्यूक्लियस ने अल्फा पार्टिकल के मोशन को चेंज कर दिया, इन्फ्लुएंस कर दिया, उसके ऊपर एक इफेक्ट डाल दिया, प्रभाव डाल दिया, तो आप कहेंगे इट इज ऑल्सो ए कोलिजन। कोलिजन का मीनिंग है व्हेन ए बॉडी इन्फ्लुएंस द मोशन ऑफ अदर बॉडी विद और विदाउट एक्चुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट, दिस फिनोमिनन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोलिजन, करेक्ट? देर आर टू टाइप्स ऑफ कोलिजन, देर आर टू टाइप्स ऑफ कोलिजन, वन कोलिजन कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन, वन कोलिजन इज कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन। व्हाट इज इलास्टिक कोलिजन? इससे पहले हम एक फिनोमिनन पढ़ चुके हैं, क्या? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्या है इसका मीनिंग? इसका मीनिंग यह है, दो बॉडीज हैं, एक का मास एम वन है, वेलोसिटी यू वन है, दूसरे का मास एम टू है, वेलोसिटी यू टू है, दे कोलाइड विद ईच अदर, गेट सेपरेटेड, अलग अलग हो गई, एम वन विद मूविंग वेलोसिटी वी वन, एम टू मूविंग विद वेलोसिटी वी टू, हेयर वी टू ग्रेटर देन वी वन, हेयर यू वन ग्रेटर देन यू टू, अगर यू वन ग्रेटर देन यू टू ना हो तो टकराएगा क्यों, पीछे छूट जाएगा। तो लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, व्हाट इज लीनियर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन, बिफोर कोलिजन द मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी एम वन यू वन, बिफोर कोलिजन द मोमेंटम ऑफ सेकेंड बॉडी एम टू यू टू, आफ्टर कोलिजन
मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी एम वन वी वन, आफ्टर कोलिजन मोमेंटम ऑफ सेकेंड बॉडी एम टू वी टू, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम सिस्टम कंटेनिंग टू बॉडीज, इट बिकम्स इट कंपेराइज अ सिस्टम, इट 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 इज अ सिस्टम कंपेराइजिंग टू बॉडीज एम वन बॉडी एंड एम टू बॉडी. तो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन एम वन यू वन प्लस एम टू वी टू. सो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. दिस इज सिंपली कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. दिस कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज ऑलवेज परफेक्टली ओबेड, हमेशा ओबे होना ही है ये. तो ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमेशा इसका पालन होगा नेचर में, हमेशा, चाहे कोलिजन कैसा भी हो, किसी भी तरह का हो, अगर दो बॉडीज एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रही हैं तो कंजर्व लीनियर मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व, लीनियर मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व. लेकिन लेकिन क्या होता है विद देयर मोमेंटम, विद देयर मोमेंटम द बॉडीज पजेस सम काइनेटिक एनर्जी, बॉडीज पजेस सम काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉडी हाफ एम वन यू वन स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड बॉडी बिफोर कोलिजन हाफ एम टू यू टू स्क्वायर, टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन द काइनेटिक एनर्जी टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टू बॉडीज विल बी इक्वल्स टू हाफ एम वन वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू वी टू स्क्वायर, दिस इज टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन. नेसेसरीली दीज टू विल रिमेन सेम, इट इज नॉट नेसेसरी. हो सकता है कोलिजन के बाद में थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाए, जितनी कम ही हो सकती, बढ़ तो कभी सकती नहीं. बढ़ मतलब अगर कोई इंटरनल फोर्सेस इसमें काम नहीं करती, कोई एक्सटर्नल सॉरी एक्सटर्नल फोर्स अगर काम नहीं कर रही तो कम ही हो सकती, बढ़ेगी नहीं. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन कॉन्स्टेंट, इट इज नॉट नेसेसरी. ऐसा जरूरी नहीं है कि बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी भी कॉन्स्टेंट है. लेकिन अगर अगर इफ इफ लीनियर मोमेंटम एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी बोथ रिमेन कंजर्व, अगर दोनों ही कंजर्व रहे, दिस टाइप ऑफ कोलिजन इज कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन. इफ ड्यूरिंग ए कोलिजन ड्यूरिंग इंटरेक्शन ऑफ टू बॉडी लीनियर मोमेंटम एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी नॉट काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ नहीं, काइनेटिक एनर्जी टोटल काइनेटिक एनर्जी रिमेन कॉन्स्टेंट, देन दिस काइंड ऑफ कोलिजन इज इलास्टिक कोलिजन. इफ लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व, वो तो रहना ही रहना है, नेचर का लॉ है, बदल नहीं सकता कोई. लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व बट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व, देन दिस काइंड ऑफ This kind of collision is called inelastic collision. This kind of collision is called inelastic collision. So there are two types of collision, elastic collision, inelastic collision. Basically, no collision in nature is perfectly elastic, no collision in nature is perfectly inelastic. 100% काइनेटिक एनर्जी कभी भी कंजर्व नहीं रहती और 100% काइनेटिक एनर्जी कभी भी लॉस नहीं होती. सो इन नेचर देयर इज नो कोलिजन विच इज परफेक्टली इलास्टिक, नो कोलिजन विच इज परफेक्टली इनइलास्टिक. स्टिल कोलिजन बिटवीन टू आइवरी बॉल्स, हाथी के दांत की बनी हुई बॉल्स, कोलिजन बिटवीन टू आइवरी बॉल और क्वार्ट्ज बॉल, क्वार्ट्ज एक पत्थर होता है, क्वार्ट्ज बॉल इज नियरली परफेक्टली इलास्टिक. कोलिजन बिटवीन टू क्ले बॉल्स, क्ले गीली मिट्टी की बॉल्स के बीच में दो कोलिजन होगा, इट इज नियरली परफेक्टली इनइलास्टिक, लगभग लगभग इनइलास्टिक है और
कोलिजन बिटवीन आइवरी बॉल्स एंड क्वार्ट्ज बॉल इज लगभग लगभग पर इलास्टिक कोलिजन, लेकिन 100% बाकी जो कोलिजन है वो जैसे एक हाथ से दूसरे हाथ को मैंने यूं टकरा दिया, अब ये ना तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है ना ये परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है। क्लियर है बात है आपको? ये कुछ कोलिजन ऐसे होते हैं जो नियरली इन इलास्टिक होते हैं, अगर दो बॉडीज कोलिजन के बाद में चिपक जाए, अगर दो बॉडीज अलग अलग चल रही थी कोलिजन के बाद में मिलकर एक हो जाए तो इट इज नियरली इन इलास्टिक। इसमें इलास्टिक नेचर बहुत कम हो जाता है, इन इलास्टिक नेचर इस कोलिजन में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है।